स्पेसिफिक डिग्री जो है क्या वो होने चाहिए कि बंदा मतलब यूट्यूब की वीडियोस देख के या बाकी चीजें देख के बंदा सीख सकता है यार कि एसक्यूए है अच्छा एसक्यूए बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। हमारे यहाँ थोड़ा सा एक अलमिया है कि हम डिग्री स्पेसिफिक जॉब्स देते हैं। इफ यू आर अ गुड लर्नर एंड इफ यू हैव ऑप्टेड रॉन्ग फील्ड एंड नाउ यू वांटेड टू स्विच यू कैन इट्स नॉट बाउंडेड अबाउट द डिग्री। किसी नेटसोल का लोगो है उसमें नेटसोल के लोगो का कलर जो है जो उन्होंने हमने चूज किया एज अ स्टैंडर्ड वो ब्लू की जगह पर्पल हो जाता है। तो ये बींग अ क्यूए एकदम से एस्थेटिक सेंस जो आपकी है कि चीज़ों को आप विजिबली फॉरन जज कर लेते हैं ये एक क्वालिटी होती है क्यूए में दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द डिवेलपर्स। दोस्तों हसन रजा आज एक दफा फिर आपके खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आपका फीडबैक आया था कि एसक्यूए के ऊपर एक एपिसोड रखे जाए और हमें बताया जाए कि ये क्या टेक्नोलॉजी है एसक्यूए वाले जो हैं वो क्या करते हैं। तो हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त जो एसक्यूए इंजीनियर हैं उनको हमने दावत दी कि वो आएँ और हमें ज़रा बताएं कि एसक्यूए होता क्या है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन इनका नाम है ताहिरा रहीम इज़ करंटली वर्किंग एज ए सीनियर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। आइए मिलते हैं ताहिरा से और जानते हैं कि एसक्यूए वाले करते क्या हैं। ताहिरा थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अप अबाउट एसक्यूए। बेसिकली सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इज अ फील्ड इन विच वी टेस्ट द सॉफ्टवेयर वी इंश्योर दैट द क्वालिटी और द एंड प्रोडक्ट should be as per the client requirements and should meet the specifications in general. So, mujhe is field mein aaye hue, it's been like eight years. I started my career with Netsol Technologies. I started my internship with Netsol Technologies during my last semester. And I opted software quality assurance as my field because I have a very keen interest in software documentation, software processes, software testing life cycle, and software testing practices for web, desktop, and mobile based. That internship leads towards a job that's almost 3.5 years I spent there. I worked on their product. Basically, Netsol is a product-based company, and their product is a very vast product that has both aspects like mobile, desktop, and the web-based as well. I continued there as a senior SQL engineer. I was leading my team. The basic role I was performing there is whenever the module developed by our development team, we test it as per the requirements listed in the functional specification document and different documents through which we can just verify the functional requirements that we gathered from the client. And we ensure that all the requirements that we get from the client should meet at the end product. If anything lags behind it and that is not so critical, we just mention it and we make sure that the end product and the next releases should be as the same. Basically, software quality assurance jo hamari field hai, iska basic goal yahi hai ki aapki jo end product hai, wo ek quality product ho as per कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक सॉफ्टवेयर बनवाया है लॉगिन का तो उसमें वही लॉगिन का मॉड्यूल है और वो कोई ई लर्निंग मैनेज पोर्टल है जस्ट लाइक वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है तो उसमें वही यूज़र्स एज अ स्टूडेंट लॉगिन हो सकें जिनको एज अ स्टूडेंट रजिस्टर करवाया गया है फिर वो स्टूडेंट्स के जो एक्सेसेस हैं उनको जो जो राइट्स हमने दिए हुए हैं वो उन्हीं चीज़ों को पर्टिकुलरली एक्सेस कर सकें जस्ट लाइक एडमिन हैज़ द ऑल राइट्स तो हम मेक श्योर करते हैं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हमने गैदर की थी और उनको फिर डॉक्यूमेंट किया था एज अ फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट दैट शुड मीट जब हम वो प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो तो क्वालिटी एश्योरेंस का एक बहुत मेजर रोल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। यू कैन नॉट पास एनी प्रोडक्ट विदाउट द डेवलपमेंट। जो डेवलपर्स होते हैं और एसके वाले इनका आपस में कभी दोस्ती नहीं बनती हमेशा कोई ना कोई फड्डा रहता है ये क्या वजह है? बेसिकली इफ़ समवन डिड देयर हार्ड वर्क और उसमें आप फिर काउंटर आर्गूमेंट करें और उसमें पॉइंट आउट करें दीज आर द प्रॉब्लम्स इन इट तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ क्लैश बिटवीन डिवेलपर्स एंड क्यूएस बट और अल्टीमेट गोल बींग अ टीम कि वही है हम सब ने एक क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करनी है बींग अ डिवेलपर भी हमने रिक्वायरमेंट्स मीट करनी है बींग अ क्यूए भी हमने रिक्वायरमेंट्स को मीट होना है हमने रीवेरीफाई करना है एंड गोल हमारा सेम है बट
इस केस में जो QA है उसका एक ये भी रोल होता है कि ही और शी शुड बी वेरी पेशेंट अबाउट द थिंग्स एंड शुड बी वेरी कोऑपरेटिव टुवर्ड्स द डेवलपर्स एंड टेल देम दैट दिस इज द प्रॉब्लम एंड दिस हैज बीन मेंशन इन दिस डॉक्यूमेंट सो दिस नीड टू बी राइट लाइक दिस. अच्छा, इस QA बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन से कि नॉट एवरी वन कैन बी एस QA बिकॉज इट्स योर जजमेंट, your analysis, your analytical skills, which makes you a very good quality assurance. Like for example, if a person is not much aware of the layout of a website, he is the person who is just okay with the functionality, so he or she cannot be a very good tester because hum jab cheezein layout mein dekhte hain aur agar usme kuch miss koi aisi mistake ho like logo hai for example Qasim Ali Shah ka logo hai, for example kisi Netsol ka logo hai, usme Netsol ke logo ka color jo hai jo unhone humne choose kiya as a standard wo blue ki jagah purple ho jata hai. तो ये बींग अ QA एकदम से एस्थेटिक सेंस जो आपकी है कि चीज़ों को आप विजिबली फॉरन जज कर लेते हैं, ये एक क्वालिटी होती है QA में दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द डेवलपर्स. तो आप एकदम कैसे चीज़ों को परसीव करते हैं ये बहुत मैटर करता है हमारी फील्ड में. बिल्कुल सही. अच्छा ये बताइए कि स्पेसिफिक डिग्री जो है क्या वो होने चाहिए कि बंदा मतलब यूट्यूब की वीडियोज़ देख के या बाकी चीज़ें देख के बंदा सीख सकते हैं यार कैसे ये है? अब क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा एक अलमिया है कि हम डिग्री स्पेसिफिक जॉब्स देते हैं तो देर आर अ लॉट ऑफ और 90% ऑफ द पीपल हु आर फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. हाँ, क्योंकि क्वालिटी एश्योरेंस के कुछ प्रोसेसेस हैं, दोज आर वेल डॉक्यूमेंटेड एंड वेल डिफाइंड. आइदर यू कैन स्टडी, यू हैव स्टडीड देम इन योर बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस और इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, या फिर एक और अपॉर्चुनिटी है दैट वी आर क्वालिटी एश्योरेंस boards or international institutes are providing you that are the certifications. Like we are having the we have the certification of ISTQB, International Standard Testing Quality Board, through which you can get the certification and you learn about the quality standards. So ye bhi ek opportunity hai ki if you are a good learner and if you have opted wrong field and now you wanted to switch, you can. It's not bounded about the degree. तो आपके इसकी की तरफ आना जो था वो by chance है या by choice था? सोचा by choice. It's by choice. While I was in sixth semester, I studied software engineering 1 and 2, in which I go through with the documentation phase and the testing phase as well. So I decided my. ज़्यादातर females इसकी में क्यों हैं? मतलब males कम हैं, ये क्या वजह है? Females की aesthetic sense अच्छी होती है. Just like अगर आप एक फीमेल, एक जनरल एग्जांपल है, अगर एक फीमेल मेकओवर करा रही है, ये कर रही है, तो बोथ आईज आर द आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, बट एट द एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट बोथ हैव द सेम टेक्सचर, सेम कलर, सेम स्कीम, कुछ बाउंड्री से बाहर नहीं जा रहा हो, तो एट द एंड आपको वो सेम सिमिलर आप देखते हो. तो फीमेल्स की एस्थेटिक सेंस, फीमेल्स का चीज़ों को विजुअली परसीव करना इज़ क्वाइट डिफरेंट. और थोड़ा सा ये भी एक चीज़ है कि फीमेल्स डेवलपमेंट की तरफ थोड़ा कम जाती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स, क्योंकि डेवलपमेंट में टाइम बाउंड्रीज जो हैं वो बहुत वो होती हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो कुछ ये भी बैरियर्स हैं फीमेल्स. बिल्कुल सही. थैंक यू वेरी मच ताहिरा फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट, लव. आई मीन यू आर एन अमेजिंग सिस्टर. बहुत शुक्रिया आपका आने का. थैंक यू सो मच. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का. मैं उम्मीद करता हूँ आज के एपिसोड आपको पसंद आएगी. दोस्तों अपना फीडबैक हम जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें. दुआओं में याद रखिएगा. इंशाल्लाह करीब एक नए टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे. टेक केयर, बाय बाय.